12 फरवरी को दिल्ली के उन बॉर्डर्स को सील कर दिया जाता है जो हरियाणा से लगे थे। इन बॉर्डर्स पर मल्टीपल लेयर की बैरिकेडिंग की जाती है। सबसे पहले कंक्रीट के बैरिकेड, फिर दिल्ली पुलिस के बैरिकेड, फिर इसके ऊपर कटीले तार बिछाए जाते हैं। इतनी तैयारी इसलिए क्योंकि 13 फरवरी को किसान दिल्ली आने वाले थे। पंजाब और हरियाणा के कुछ किसान संगठनों ने ये ऐलान किया कि केंद्र सरकार ने जो उनकी मांगे अधूरी छोड़ दी है, उसके लिए वे 13 फरवरी को दिल्ली में प्रदर्शन करें। 13 फरवरी के दिन 25,000 से ज्यादा किसान लगभग 4,000 से ज्यादा ट्रैक्टर और ट्रॉली लेकर शंभू बॉर्डर पहुंच जाते हैं। शंभू बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए सरकार द्वारा सुरक्षा बलों की कई टुकड़ियां लगाई जाती है जो किसानों पर आंसू गैस के गोले और रबर की गोलियां चलाती है। किसान भी ट्रैक्टर से बैरिकेड्स को तोड़ते हैं और पत्थरबाजी करते हैं। अब सवाल ये आता है कि आखिर किसानों ने इतना बड़ा आंदोलन किया क्यों? इसके लिए आपको 2020 में हुए किसान आंदोलन को समझना होगा। साल 2020 में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार संसद से 3 कानून पास करती है जिसे आम भाषा में कृषि कानून कहा गया, जिसमें पहला कानून कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020। ये कानून किसानों को पूरे भारत में कहीं पर भी अपनी फसल बेचने की अनुमति देता है। दूसरा कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020, जिसके अनुसार किसान किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर उसके लिए उत्पादन कर सकता है। तीसरा आवश्यक वस्तु विधेयक 2020, ये कानून निजी निवेशकों को अत्यधिक रेगुलेटरी एक्शन से बचाने के लिए बनाया गया था। सरकार का कहना था कि ये तीनों कानून किसानों के हित में है, जबकि किसानों का कहना था कि सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाह रही है और वो उन्हें प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर रही है। 17 सितंबर 2020 को ये तीनों कानून संसद से पास हो जाते हैं, जिसके बाद यूपी, हरियाणा और पंजाब के किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया। किसानों ने यूपी हरियाणा के दिल्ली से लगने वाले बॉर्डर्स पर डेरा डाला। किसानों ने महीनों से प्रदर्शन किया और कहा कि जब तक कानून वापस नहीं, किसान भी वापस नहीं होंगे। थक हार कर नवंबर 2021 में सरकार को ये तीनों कानून वापस लेना पड़ा, जिसके बाद किसानों ने कुछ और मांगे सरकार के सामने रखी, जिसमें पहली प्रोटेस्ट के दौरान अगर राज्य या केंद्र की कोई भी एजेंसी उनके खिलाफ केस दर्ज करती है तो आंदोलन संबंधी सभी मामले वापस लिए जाए। दूसरा आंदोलन के दौरान मरने वाले किसान के परिवार को मुआवजा दिया जाए। तीसरा पलारी जलाने के मामले में किसान पर कोई भी क्रिमिनल एक्शन ना हो। चौथा MSP यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चर्चा के लिए एक समिति गठित की जाए और इसमें किसान मोर्चा के सदस्यों को शामिल किया जाए। सरकार ने तब तो इन सभी शर्तों को मान लिया और कहा कि इन पर समिति बनाकर विचार किया जाएगा। तब किसानों ने विजय जुलूस निकाला और घर वापस चले गए, लेकिन अब किसान फिर से लौट आए हैं क्योंकि उनका कहना है कि सरकार ने उनकी शर्तें पूरी नहीं की। अब किसान दिल्ली के शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बार किसानों ने कुछ और नई शर्तें सरकार के सामने रखी है, जिसमें MSP यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने की मांग की जा रही है। 60 साल से ऊपर के किसानों को 10,000 रुपए प्रति महीना पेंशन दी जाए। आंदोलन के दौरान मरने वाले किसान के परिवार को मुआवजा दिया जाए। किसान स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू किया जाए। किसान आंदोलन के दौरान दर्ज सभी FIR को वापस लिया जाए। लखीमपुर खीरी हिंसा के दोषियों को सजा दी जाए। सरकार बीज की क्वालिटी को बेहतर करे। मनरेगा के अंतर्गत 1 साल में 100 दिन के रोजगार को बढ़ाकर 200 दिन किया जाए। किसानों को पानी, वन और जमीन को लेकर उनका हक उनको मिले। किसान अब शंभू बॉर्डर से बढ़कर दिल्ली पर कूच करना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से इस जगह की घेराबंदी की गई है उसे देखकर लगता नहीं कि किसान आगे बढ़ पाएंगे। सुरक्षा बलों की कई टुकड़ियां यहां पर तैनात है, जिनके द्वारा लगातार आंसू गैस के गोले चलाए जा रहे हैं और गोलियां भी दागी जा रही है, जिससे अब तक 2 किसानों की मौत हो चुकी है और 8 से 10 लोग घायल हैं। इस आंदोलन के दौरान आपने इस देश की गोदी मीडिया को भी सुना होगा। जब किसान ट्रैक्टर और JCB में कुछ जुगाड़ लगाता है तो ये गोदी मीडिया उसे टैंक कहती है। ये कुछ हेडलाइंस है। दिल्ली में घुसने के लिए किसानों ने बना लिया है अपना टैंक, मैक्सिप टैंक, पोकलेन मशीन और आयरन सीट। दिल्ली मोर्चे के लिए किसानों ने बनाया ये प्लान। दिल्ली में घुसने के लिए किसानों की पूरी तैयारी, अपने साथ लेकर आए हैं टैंक, बैरिकेड्स तोड़ने के लिए लाए कई मशीन भी। अब ट्रैक्टर और JCB में ऐसा क्या खास है कि उसे टैंक कहा जाए? ये है वो एक्सवेटर जिसे आयरन सीट से कवर किया गया है ताकि आंसू गैस और रबर की गोलियों से बचाया जा सके। क्या ये आपको टैंक लग रहा है? गोदी मीडिया इसे टैंक कह रही है। जब किसान इस आंदोलन के लिए अपने अपने ट्रैक्टर लेकर आ रहे हैं तो ये कहा जा रहा है कि ये मोटर व्हीकल एक्ट के खिलाफ है, लेकिन वही किसान किसी नेता की रैली में ट्रैक्टर लेकर जाता है तब तो किसी मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन नहीं होता।
आजकल जेसीबी का प्रयोग चुनावी प्रचार में काफी हो रहा है। मुख्यमंत्री को बुलडोजर बाबा कहा जा रहा है, लेकिन वही किसान जब जेसीबी लेकर निकले तो उसे आतंकवादी कहा जाता है। ट्रैक्टर और ट्रॉली के साथ प्रदर्शन करना किसानों के लिए कोई नई बात नहीं है। हाल ही में जर्मनी के किसान बड़ी संख्या में ट्रैक्टर लेकर रोड पर निकले, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट किसानों को मिलने वाली सब्सिडी को खत्म कर रही थी। पूरे देश के मेलों में ट्रैक्टर ट्रॉलियां जाती हैं, जो पार्टी रैली करती हैं वहां ट्रैक्टर ट्रॉलियों से किसान मजदूर जाते हैं, हर काम के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली जाते हैं। पीसफुली आंदोलन के लिए अगर ट्रैक्टर ट्रॉली जाएंगे, मुझे नहीं लगता इस पे कोई आपत्ति होनी चाहिए। किसानों को रोकने के लिए हरियाणा और दिल्ली में काफी जगह पर इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, जिससे बैंक के काम रुक गए हैं, ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल पा रही है, ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो रहा है, बिजनेस पर इफेक्ट पड़ रहा है। क्या किसी को दिल्ली जाने का अधिकार नहीं है? किसान अपनी मांगों के लिए राजधानी नहीं जाएगा तो फिर कहां जाएगा? अमेरिका में व्हाइट हाउस के सामने लोग हजारों की संख्या में प्रदर्शन कर सकते हैं, वाशिंगटन में राष्ट्रपति निवास के सामने लोग प्रदर्शन कर सकते हैं। तो फिर भारत के किसान और भारत के निवासी दिल्ली जाकर रामलीला मैदान या फिर जंतर मंतर में प्रदर्शन क्यों नहीं कर सकते? अमेरिका में ही नहीं, लंदन में भी हजारों लोगों ने प्रधानमंत्री निवास के सामने प्रदर्शन किया। फिर क्यों भारत में किसानों को रोकने के लिए सरकार सीमेंट के बैरिकेड, कील और कटीले तार बिछा रही है? हमारा निवेदन है कि हम शांतिपूर्वक ढंग से दिल्ली जाना चाह रहे हैं। सरकार कृपया हमें खुद ब खुद अपने वो बैरिकेड हटाते हुए दिल्ली जाने की अनुमति दे, वहां दिल्ली बैठने की व्यवस्था बना दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया, केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, चार दौर की बैठक के बाद पांचवे दौर में सभी मुद्दे जैसे MSP, पलारी, FIR पर चर्चा के लिए हम तैयार। मैं चर्चा के लिए दोबारा किसान नेताओं को आमंत्रित करता हूं। 2020-21 में हुए किसान आंदोलन में काफी सारे किसानों पर FIR दर्ज की गई थी। तब से किसान FIR वापस लेने की मांग कर रहे हैं। पिछले साल नवंबर महीने में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ये ऐलान किया कि कोविड के दौरान नियम का उल्लंघन करने पर जिन 14,000 लोगों पर FIR दर्ज की गई थी, उन FIR को वापस लिया जाएगा। ऐसे बहुत से मामले हैं जब FIR वापस ली गई है, तो फिर किसानों पे दर्ज FIR अब तक वापस क्यों नहीं ली गई? जाहिर सी बात है, केंद्र सरकार ने समय रहते किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया, जिसके चलते किसान फिर से आंदोलन करने के लिए मजबूर है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज पंचभाई।